हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करती हूँ। आज मैं आप लोगों से जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो है सामान्य पात्रता परीक्षा, या जिसे हम सेट के नाम से जान रहे हैं। अभी भारत सरकार ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया है सभी छात्रों के लिए या एग्जामिनीज के लिए जो अपियर होते हैं SEC, IBPS और RRB परीक्षा में। ये एक बहुत बड़ा सुविधा है मेरे हिसाब से छात्रों के लिए कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जाकर के तीनों परीक्षाओं के जो पहला जो कदम है या प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होता है उसमें सफलता अर्जित कर आगे का जो दो टायर है इसका या दो स्टेप्स है मेंस और इंटरव्यू का उसके लिए जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं छात्राओं के लिए दी गई है इस परीक्षा के अनुसार, जिसकी चर्चा मैं आगे अपने स्लाइड्स में करूंगी। अब जैसा कि हम पहले बात करेंगे कि ये परीक्षा आखिर में कौन सी एजेंसी है, वो कैसे कंडक्ट इसको करेगी परीक्षा को, और क्या इसके नियम होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि इसका जो है आयोजन, इस परीक्षा का जो करेगा एजेंसी उसे हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं या एजेंसी के नाम से जानते हैं। और ये जो है अलग से 10वीं पास जो स्टूडेंट्स हैं या 12वीं पास स्टूडेंट्स और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए अलग अलग तीन स्तर की परीक्षाओं का आयोजन इनके द्वारा किया जाएगा। डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चन पेपर्स का वो अलग होगा, वो समझना या बिल्कुल आसान है कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा क्वेश्चन पेपर्स का वो 10th स्टूडेंट्स के लिए, जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएट्स के लिए, उनके लिए बिल्कुल अलग ही होगा या अलग स्तर का क्वेश्चन पेपर्स होगा। और उनके डिफिकल्टी लेवल भी जिस पास स्टूडेंट है जिस क्लास के उसके हिसाब से उनको रखा जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि आखिर में उम्र सीमा इसकी क्या होगी, तो इसका अभी तक जो है कोई निश्चित इसके विषय में अभी नहीं जानकारी प्राप्त हुआ है। पर हाँ, ये जरूर अनुमान लगाया जा सकता है या कहा जा रहा है कि जो पुराने नियम के तहत जिस तरह से सीमा उम्र सीमा जो निर्धारित थी उसी के अनुसार इस परीक्षा में भी उसे निर्धारित किया जाएगा। और जितने भी अटेम्प्ट्स जो हैं परीक्षाओं का उसे सीमित नहीं किया गया है, जितने भी एग्जामिनीज हैं वो कितनी भी बार इस परीक्षा को दिए सकते हैं। प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा के आयोजन से जितने भी ये तीन स्तर के जो परीक्षाएं होती थी SEC, RRB और IBPS का, उससे प्रत्येक वर्ष जितने छात्र थे या जो इसमें एग्जामिनीज होते थे उन्हें 1 से 1.5 लाख लोगों को इसमें सरकारी नौकरी प्राप्त होती थी। तो यहाँ से इस परीक्षा का जो आयोजन का महत्व है बिल्कुल समझा जा सकता है। और ये बहुत बड़ा एक मौका है सभी छात्रों के लिए, सबसे पहला तो ये कि एक ही परीक्षा की तैयारी के साथ में वो तीन जगह पे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जहां उनकी इच्छा हो वहां पे जाकर के मेंस का और इंटरव्यू की परीक्षा के लिए वहां पे अपना आवेदन दे सकते हैं। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन के लिए ये सरकार जो है ये कॉमन प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रही है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को इधर उधर भागना नहीं होगा, बार बार फॉर्म्स नहीं भरना होगा। एक ही परीक्षा से वो जो पहला जो कदम होता है इसका, जो फर्स्ट टायर बोला जाए या जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, वो तीनों परीक्षाओं की, या वो SEC हो या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या IBPS हो, उसको वो क्लियर कर सकते हैं। इससे किन किन जगहों पे नौकरी मिलेगी, तो ये प्योरली जो है वो नॉन टेक्निकल या गैर तकनीकी नौकरी जो है उसके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है, ग्रुप B और ग्रुप C की सर्विसेज के लिए। परीक्षाओं का जो आयोजन है वो रिक्रूटमेंट जो है बोर्ड एजेंसी वो परीक्षा का आयोजन 2 बार वर्ष में करेगी। जो परीक्षार्थियों को जो प्राप्तांक होंगे उनके वो अगले 3 वर्ष तक के लिए वो वैलिड होंगे या मान्य होंगे। हालांकि यहाँ पे यदि किसी छात्र को कम मार्क्स मिलता है या वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि फिर से उन्हें मौका मिलना चाहिए, तो यहाँ उन्हें ये भी सुविधा दिया जा रहा है कि वो पुनः परीक्षा दे सकते हैं। और जो उनको लगता है कि जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उसी को वो उसी के आधार पे आगे जा करके वो आवेदन दे सकते हैं। और मेंस की एग्जाम के लिए जो SEC का बोर्ड हो, SEC हो या आपका IBPS हो या RRB हो, वहां पे जाकर के उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपने प्राप्तांक आगामी 3 वर्षों तक अपनी इच्छा अनुसार SSC, बैंकिंग, रेलवे और जो द्वितीय चरण की जो परीक्षा होती है उसमें मुख्य परीक्षा के लिए वो आवेदन इसके आधार पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि आखिर में जो परीक्षा आयोजित हो रही है वो किस प्रकार से की जाएगी या उसमें किस प्रकार से प्रश्न होंगे और किस प्रकार से इसको तीन लेवल जो निर्धारित किया गया है उसकी मैं चर्चा आगे करती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो 10वीं पास जो छात्र हैं, जो 12वीं पास जो कैंडिडेट हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं,
उनके लिए अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पेपर्स होंगे। ये समझना या बहुत आसान ही है कि हाँ, जो 10th स्टैंडर्ड के लेवल के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए परीक्षा पत्र का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो आसान होगा कंपेरेटिव टू जो 12वीं लेवल के या ग्रेजुएट्स के जो पास कैंडिडेट हैं उनके लिए। प्रारंभिक परीक्षा में या जो ये सेट का जो एग्जाम है ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है और इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा SSC, RRB और IBPS के मेंस परीक्षा में आपके शामिल होने के लिए। मुख्य परीक्षा में फिर अगर आप उत्तीर्ण होते हैं या उसे क्लियर करते हैं तो आप साक्षात्कार देने के लिए फिर यहाँ पे आपकी जो है उम्मीदवारी दर्ज की जा सकती है। 10वीं की परीक्षा के प्रश्न 12वीं परीक्षा से आसान तथा 12वीं परीक्षा के प्रश्न स्नातक की परीक्षा से आसान होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो ये बहुत अच्छा एक मौका जो भारतीय सरकार है वो दे रही है कैंडिडेट्स को या एग्जामिनीज को कि वो जिस लेवल के जहां से पास आउट है या जिस तरह की उनकी पढ़ाई है उसी के अनुसार वो अपना आवेदन दे सकते हैं और उस लेवल के प्रश्न पत्र को उनको फेस करना होगा और उनका तैयारी भी उसी लेवल से उनको करना होगा। परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड में होगी। अंक जो है कोई भी छात्र या एग्जामिनी अगर चाहे तो वो परीक्षा के समय वहां से निकलते समय ही अपने अंक को वो जान सकता है। पुनः जो है तुरंत उन्हें वहां पे जो उनके अंक है या जो उनके प्राप्तांक है वो उन्हें मिल सकती है। पाठ्यक्रम जो है वो अभी तक निर्धारित नहीं है, हालांकि यहाँ पे समझा जा सकता है क्योंकि ये तीनों का सम्मिलित एक स्वरूप है। इसमें जो कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है CET का या CET जो परीक्षा है उसका, तो यहाँ पे जो सिलेबस रहा था SSC का और IBPS का और RRB का उसके जितने भी सिलेबस रहे थे उसका समावेश इसमें किया जाएगा। इतना यहाँ जरूर निश्चित है कि आपका रीजनिंग और इंग्लिश और करंट अफेयर्स ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो जानकारी है वो आगे जो सिलेबस जब निर्धारित होगी तो हमें इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। हालांकि जितने भी कॉमन ये तो जरूर है कि इतना इंग्लिश, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स ये तो रहेंगे ही रहेंगे पाठ्यक्रम में या सिलेबस में। और यदि आप अपनी तैयारी जो करंट अफेयर्स के विषय में अगर करना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग है जिसका एड्रेस है @TopersChurch। उसमें डेली जो है मैं सुबह में पोस्ट करती हूँ जो करंट अफेयर्स के विषय में या उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो उसमें होते हैं। आप उसको अगर पढ़ेंगे तो मैं निश्चित तौर पे यहाँ कह सकती हूँ कि वो आपकी अपनी परीक्षा की तैयारी में जरूर मदद करेंगे। हालांकि आपको उसके लिए रेगुलर होना पड़ेगा और करंट अफेयर्स के लिए निर्धारित समय करते हुए उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मेरा एक YouTube चैनल भी है जिस पे मैं अपना ये वीडियो भी डाल रही हूँ जिसका नाम है @TopersChurch। इस पे मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियोस है वो अपलोड कर चुकी हूँ। जो हिस्ट्री के पोर्शंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहें या जानना चाहें तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आगे जो मैं इसके पश्चात जो आप लोगों से बात करूंगी कि आखिर में जो है ये परीक्षा किस प्रकार से आयोजित हो रही है, कौन सा एजेंसी कर रहा है और किस प्रकार से इसको फुल प्रूफ तैयारी इसके लिए सरकार ने की है, तो यहाँ पे जो परीक्षा का आयोजन है वो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा केंद्र का चुनाव जो कैंडिडेट्स हैं या एग्जामिनीज हैं वो अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिलों में किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रूरल या जो ग्रामीण एरिया से जो आते हैं छात्र जिनके पास शायद पैसे की भी कमी होती है वो दूर दराज जा करके इलाकों में एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक बेहतर कदम रहा है सरकार का कि जो नियरेस्ट उनका जो होगा सेंटर एग्जाम का वहां पे जा करके वो परीक्षा अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो छात्रों को बेवजह दौड़ भाग करनी होती थी और पैसे का बहुत अधिक खर्च होता था उससे भी छात्र यहाँ पे बच जाएंगे। परीक्षा का जो यहाँ पे हम देख कह सकते हैं कि जो आयोजन है वो 12 भाषाओं में, जो भारतीय संविधान है वो उसकी 8वीं अनुसूची में जो वर्णित 12 भाषाएं हैं उसमें इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें कि अंग्रेजी भी एक माध्यम होगा। परीक्षा फल के आधार पर राज्य सरकार एवं निजी कंपनी में भी नौकरी इससे प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए या जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है उसको रोकने के लिए हर एक कैंडिडेट को या एग्जामिनी को एक यूनिक ID नंबर प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है बहुत फेयर एग्जाम्स होने का ये चांसेस हम लोगों को दिखता है। अब यहाँ पे आगे मैं अगर और इस पे चर्चा करूंगी तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि सरकार ने जो है ये SSC, IBPS और RRB की जो परीक्षा है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है। नॉन टेक्निकल जितने भी जो जॉब्स हैं ग्रुप बी और सी के लिए उसके लिए ये परीक्षा सेट का इसका आयोजन किया जाएगा। परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। जो छात्रों का प्राप्तांक होगा वो अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा
और अगर कम अंक प्राप्त होता है छात्रों को या कैंडिडेट्स को तो फिर से वो पुनः परीक्षा का भी अवसर उन्हें प्रदान किया जाएगा। परीक्षार्थी अपने प्राप्तांक के आधार पर आगामी 3 वर्षों के लिए अपनी इच्छा अनुसार एसएससी बैंकिंग रेलवे की जो द्वितीय चरण है या जो मुख्य परीक्षा है उसमें वो सम्मिलित हो सकते हैं और आगे इसको क्लियर करने के पश्चात साक्षात्कार या इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। अब इसके अगर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि आखिर में क्या इसके इस तरह का आयोजन जो सरकार प्रयास कर रही है जो कि 2021 से संभवतः हो पाएगी, तो उसमें जो है इसका एडवांटेजेस बहुत सारे हम कह सकते हैं कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो ये कि एक ही आवेदन पे सभी नौकरियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तीनों ही परीक्षाओं के लिए, या वो एसएससी हो, आरआरबी हो या आईबीपीएस हो। परीक्षा केंद्र जो है वो क्योंकि आपके चुनाव के अनुसार होगा तो आपके घर के नजदीक जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है उसका चुनाव आप कर सकते हैं। इससे जो है कैंडिडेट्स उनके समय की और पैसे की बचत होगी। अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको अलग अलग से दौड़ भाग और उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक कॉमन टेस्ट का या प्रिलिमिनरी एग्जाम का तैयारी इसमें से जो है एग्जाम्स लिया जा रहा है, तो एक ही तैयारी से जो पहला कदम है इसका जो टीयर वन है या फर्स्ट लेवल है उसको आप क्लियर कर सकते हैं और फिर आगे चल करके तीनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इससे जो है जो सरकार का यह कदम है वो सही में सराहनीय कदम है क्योंकि ये परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के मनोबल को ऊंचा करने का काम करेगा क्योंकि बहुत एक ही परीक्षा में क्लियर करने के पश्चात उनके पास में जो संभावनाएं हैं, ये जो अवसर है, उनके द्वार खुलते हैं उनके लिए क्योंकि उसके बाद में वो तीनों ही परीक्षाओं के जो अगर चाहें तो उसमें भी वो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये छात्रों के अपनी इच्छा पे है कि वो किस परीक्षा में शामिल होना चाहेंगे। 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएट्स हैं उन सभी के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा एक मौका है। कम अंक प्राप्त करने पर सुधार का भी मौका दिया गया है, ये भी एक बहुत अच्छा कदम रहा है सरकार का। और यहाँ पे जो अपने इच्छा अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन के जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा भी इसमें प्रदान की जा रही है। तो एक तरह से यहाँ से एक ही परीक्षा से आप लोगों को ये मौका मिल रहा है कि किस प्रकार से आप एक ही परीक्षा दे करके तीनों ही परीक्षाओं के लिए, या वो एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस की परीक्षा हो, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। तैयारी का समय है क्योंकि अभी सिलेबस क्लियर नहीं है, अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ जो सिलेबस रहा है उसी के अनुसार सिलेबस की तैयारी की जाएगी, परंतु हाँ ये निश्चित है जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि करंट अफेयर्स और आप इंग्लिश और रीजनिंग ये तो रहेगा ही रहेगा। तो जितने भी छात्र हैं अगर इसमें बैठना चाहते हैं इन परीक्षाओं में या इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय है, तैयारी कर सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार जिस लेवल में या जिस परीक्षा में वो अपना आगे देना चाहते हैं मेंस या इंटरव्यू, एक ही परीक्षा में सम्मिलित होकर के, जिसे हम सेट के नाम से जान रहे हैं, उसमें सम्मिलित होकर के क्लियर करके एसएससी आईबीपीएस और आरआरबी की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पे मैं ये जरूर, ये प्रयास मेरा रहा है कि मैं जितने भी बिंदु इसके रहे हैं मुख्य, उसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं और शायद उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर भी हुआ होगा कि आखिर ये परीक्षा है क्या और इसके आयोजन से परीक्षार्थियों को क्या मदद भी पहुँचेगा। इसी के साथ धन्यवाद। और यदि आप लोग इसके विषय में, करंट अफेयर्स के विषय में और पढ़ना चाहते हैं तो कृपा कर मेरे जो ब्लॉग है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ में जुड़े रहें। और इसके आगे मैं इंग्लिश में भी इसका जो वीडियो है कि ये सेट एग्जाम कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी बहुत बेहतर नहीं समझ सकते हैं, तो उनके लिए मैं इसके आगे इंग्लिश में भी इस वीडियो को पोस्ट करूंगी। थैंक यू।